हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल PKVT। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विदाउट वायरलेस माइक से आप लोग कैसे प्रैंक वीडियो का वॉइस को शूट कर सकते हैं या फिर वॉइस वीडियो फनी वीडियो बनाते हैं तब तो गाइस दूर से अपने साउंड को अपने वॉइस को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा, क्योंकि इस डेमो करने से आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आता है। और गाइस, मैं बहुत बार इस तरह का वीडियो बना चुका हूं, लेकिन गाइस आपको समझ में नहीं आता है, बार बार आप लोग कमेंट करते हो इसी टॉपिक के बारे में। तो गाइस, ये वीडियो फाइनल वीडियो रहेगा और मैं आज की इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा और डेमो करके भी दिखाऊंगा कि आप लोग विदाउट वायरलेस माइक के कैसे प्रैंक वीडियो शूट कर सकते हो, चाहे कैमरा से करो या फिर मोबाइल फ़ोन से करो, या फिर वॉइस वीडियो बनाते हो या फिर फनी वीडियो बनाते हो, कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हो जिसमें कैसे आप लोग काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हो और अपने वॉइस को रिकॉर्डिंग करना रहता है तो वायरलेस माइक की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विदाउट वायरलेस माइक से आप लोग कैसे वीडियो को शूट कर सकते हैं और कैसे अपने वॉइस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो पूरा कंटिन्यू आखिरी तक बने रहना, और गाइस अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि विदाउट वायरलेस माइक से आप लोग कैसे प्रैंक वीडियो शूट कर सकते हैं या फिर वॉइस वीडियो शूट कर सकते हैं जिसमें कैसे आप लोग काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हो कैमरे से और वॉइस रिकॉर्डिंग भी करना पड़ता है अपने खुद का। तो चलिए, वीडियो में पूरा कंटिन्यू आखिरी तक बने रहना। और गाइस, मैं अभी 200 से 300 मीटर की दूरी पर जाऊँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि गाइस मैं इस फ़ोन से अभी अपना वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो गाइस, आप भी प्रैंक वीडियो बनाते हो या फिर वॉइस वीडियो बनाते हो तो इस तरीके से फ़ोन का साउंड रिकॉर्डिंग को चालू कर लेना। इसके बाद गाइस इस तरीके से उसको अपने हैंड में होल्ड कर लेना, इसके बाद इस तरीके से रखे रहना, या फिर जैसे भी आप लोग रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अपने आपके पास अगर एक फ़ोन होगा तो उसको इस तरीके से रखे रहना। तो गाइस, इसके बाद आपको क्या करना है कि फ़ोन का जो वॉइस रिकॉर्डिंग है, साउंड रिकॉर्डिंग है, उसको इनेबल करके रखे रहना। इसके बाद इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग होगा और गाइस इसमें आपको वायरलेस माइक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख सकते हैं कि इसमें मेरा वॉइस रिकॉर्डिंग हो रहा है और अभी मैं 200 से 300 से 500 मीटर की दूरी पर जाऊंगा और आप लोग देख लीजिएगा कि साउंड की क्वालिटी सेम टू सेम वही रहे। जूम करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस, मैं अब यहाँ से 200 से 250 से 300 मीटर की दूरी पर जा रहा हूँ और विदाउट वायरलेस माइक के गाइस मैं इसी से अपना साउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और वहाँ जा करके आपको देख करके समझ में आ जाएगा कि साउंड की क्वालिटी में कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा। तो गाइस, अब मैं यहाँ से जाता हूँ वहाँ और साउंड की क्वालिटी आप लोग टेस्ट करिएगा। तो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं 300 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, और साउंड का जो क्वालिटी है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, क्योंकि गाइस इस फ़ोन से वॉइस रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि मैं कितना दूरी पर बैठा हुआ हूँ। तो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हैं कि जो कैमरा है उससे जूम किया गया है और मैं 300 मीटर की दूरी पर बैठा हूँ, और गाइस मेरा वायरलेस माइक ये फ़ोन बना हुआ है। तो गाइस, इस फ़ोन को गाइस आप लोग वायरलेस माइक की तरह यूज़ कर सकते हैं और आप लोग विदाउट वायरलेस माइक का प्रैंक वीडियो शूट कर सकते हैं या फिर वॉइस वीडियो फनी वीडियो जो भी वीडियो शूट करना चाहते हैं वीडियो शूट कर सकते हैं, क्योंकि गाइस काफ़ी ज़्यादा दूर तक गाइस आपको ना तो कोई वायरलेस माइक परचेस करना पड़ेगा और ना ही किसी तरह का झंझट पालना पड़ेगा, क्योंकि गाइस आपका एक फ़ोन ही वायरलेस माइक बन सकता है। और गाइस, आप लोग ये डेमो को देख रहे हैं कि मैं 300 से 400 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ हूँ लगभग, और गाइस साउंड का क्वालिटी सेम टू सेम वही आ रहा है, बस आपको लिपसिंग मैच कराने आना चाहिए। और गाइस, आप लोग जिस भी वीडियो एडिटर से अपना वीडियो एडिट करते हैं तो गाइस उस वीडियो एडिटर से आपको लिपसिंग को मैच कराने आना चाहिए। जिस वॉइस रिकॉर्डिंग को आप इस मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो तो गाइस इस क्लिप को अपने उस एडिटर में गाइस ऐड करके आपके लिपसिंग के साथ मैच कराने आना चाहिए। तो गाइस, अगर आप लोग मोबाइल फ़ोन से वीडियो एडिट करते हैं तो काइन मास्टर पावर डायरेक्टर से कैसे लिपसिंग को मैच कराते हैं, कैसे ऑडियो वीडियो को सेंसिंग कराते हैं, मैं उसका प्रॉपर वीडियो बनाया हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो गाइस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जा करके देख सकते हैं। तो गाइस, आपको समझ में आ गया होगा वीडियो कि गाइस आप लोग इस फ़ोन को एक वायरलेस माइक की तरह यूज़ कर सकते हैं और विदाउट वायरलेस माइक का प्रैंक वीडियो शूट कर सकते हैं या फिर कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसमें आप लोग दूर से वीडियो को शूट करते हैं। तो गाइस, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए गाइस, आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।